हरियाणा में भाजपा के 40 स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। यह जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने रतिया में सुनीता दुग्गल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के दौरान कही। मीडिया के रूबरू होते हुए बराला ने कहा कि 28 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रतिया में जनसभा करेंगे, जबकि संभावना है कि 8 व 9 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहाबाद में कुरुक्षेत्र के जज्जर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बराला ने बताया कि 5 से 7 मई को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, सुषमा स्वराज, योगी आदित्यनाथ, वी के सिंह सहित कई भाजपा के बड़े नेता 6 जनसभाएं करने जा रहे हैं। देखिए, फतेहाबाद जिला में 2 लोकसभा क्षेत्रों की नरेंद्र मोदी जी की जनसभा की संभावनाएं पूरी पूरी है। 8 या 9 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। हरियाणा प्रदेश में 3 सभाएं उनकी होंगी, एक फतेहाबाद में 2 लोकसभा क्षेत्रों की, 3 लोकसभा क्षेत्रों की, अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र, करनाल की पिपली कुरुक्षेत्र में और एक झज्जर में अगर की लोकसभा क्षेत्रों की सभा होगी। और इसी प्रकार से 5 और 7 मई को 5 या 6 सभाएं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की होंगी। इसके अलावा सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, जनरल वी के सिंह जी, इस प्रकार के जो बड़े नेता हैं उनकी सभाएं भी हरियाणा प्रदेश के अंदर होने वाली है। मीडिया से बातचीत करते हुए बराला ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हारने जा रही है। बराला ने कहा कि अशोक तंवर हार को देखते हुए बौखलाहट में नजर आते हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। देखिए, अशोक तंवर मुझे लगता है पिछले काफी दिनों से विचलित बेचैन हैं, इसीलिए तो अभी पत्रकारों से गलत व्यवहार करते हैं, कभी अपने कार्यकर्ता को कोड़ी मारते हैं, कभी अपने कार्यकर्ता का गला पकड़ते हैं। तो वो आदमी तो कांग्रेस पार्टी को संभाल करनी चाहिए, तो उसको समस्या क्या है? और मुझे तो ये लगता है कि अपनी संभावित हार देख करके कि सिरसा से भी आने वाले हैं और उनके नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा सीटें उनकी पार्टी हारने वाली है। उनकी अध्यक्षता में पहले भी बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की हुई, तो इस हार से शायद बुखला करके इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। सिरसा लोकसभा सीट पर पूछे गए सवाल के जवाब में बराला ने कहा कि सुनीता दुग्गल के मुकाबले कोई नहीं है और सुनीता दुग्गल लाखों वोटों से जीत दर्ज करेंगे। वह जनता ने भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का मन बना लिया है। बराला ने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से हाव भाव है सामने के प्रत्याशियों को, जिस प्रकार से अशोक तंवर बौखलाए हुए हैं और इनेलो के प्रत्याशी का तो कहीं वजूद दिखाई देता नहीं, इसके कारण से मुझे लगता है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता ने बाकी हरियाणा की जो लोकसभा सीटों में जो माहौल है एक तरफा जिताने का, वही माहौल सिरसा लोकसभा क्षेत्र से है। सुनीता दुग्गल हमारी बहन से 100% जीत करके जाने वाली है। मंगलवार को इलाके में हुई आगजनी की घटना से क्षेत्र के किसानों की बर्बाद हुई फसलों की जल्द गिरदावरी होगी। में जो फसल खराब हुई थी पानी के कारण से, ओलावृष्टि के कारण से, उसकी भी स्पेशल गिरदावरी हुई है। और कल जो आग लगने के कारण से सैकड़ों एकड़ की फसल और फूस जो जल करके राख हुआ, उसकी गिरदावरी भी हो चुकी है और रिपोर्ट चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के पास जा चुकी है। और बहुत जल्दी जो प्रभावित किसान हैं, पूर्व की तरह पहले भी हमने तुरंत किसान को राहत प्रदान की है और अब भी जिनका 100% नुकसान हुआ है, ऐसे हमारे किसान भाइयों को 12,000 रुपये की मदद बहुत जल्दी मिल जाएगी, उनके खातों में चली जाएगी। कंचन टीवी के लिए रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट।